नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा में और मैं हूं रोहित कुमार सिंह। और आज हम चर्चा दरअसल करने वाले हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसके इर्द गिर्द पिछले एक हफ्ते से बिहार की राजनीति घूम रही है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगे हैं कि यहां से लेकर यानी कि पटना से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। विधानसभा नहीं चल रहा है, बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और वहीं दिल्ली में लगातार सीबीआई का समन पे समन आ रहा है। और अब तो ताजा जानकारी मिली है कि आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में मामला आया, जो इस पूरे मामले पर अब कहा गया है कि 25 मार्च को तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शशि भूषण कुमार, जो कि विशेष संवाददाता है, और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। शशि, जबरदस्त तनाव में इस वक्त तेजस्वी यादव जरूर होंगे पिछले एक हफ्ते से, जब से ये पूरा लैंड फॉर जॉब स्कैम में राबड़ी देवी से पूछताछ, लालू से पूछताछ हुई है, पेशी हुई है 15 तारीख को, और लगातार समन पे समन आ रहा है तेजस्वी यादव को सीबीआई का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है रोहित, क्योंकि जो लगातार हमने देखा है प्रकरण, जिस तरह से ईडी की छापेमारी और बाकी चीजें लिंकअप हुई हैं लैंड फॉर जॉब वाले मामले में, उसके बाद तेजस्वी यादव के चेहरे पर वो चीजें दिखती हैं। हालांकि नॉर्मल दिखने की कोशिश उन्होंने की थी और यहीं पर आकर के उन्होंने बयान दिया कि पहले शेर की तरह दहाड़ेंगे, फिर म्याऊं वाला बयान उनका आया, काफी मीम भी बने उस पर। लेकिन आज जब दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अंदर मौजूद थे, और जब यह फैसला आया, जिस वक्त हमारे ग्रुप और बाकी जगह पर यह खबर आई कि तेजस्वी यादव को 25 मार्च को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने और इससे उनको रिलीफ नहीं मिलेगी, तो तेजस्वी यादव के पास ये मैसेज तुरंत गया और तेजस्वी यादव हाउस से निकल के अपने चैम्बर में चले गए। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको इंतजार था कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज क्या कुछ होने जा रहा है। तो ठीक है, बिहार विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, बजट सत्र है, लंबा सत्र है, और जो कई विधेयक हैं सरकार की तरफ से हैं वो लाए जाने हैं, वित्तीय कार्य हो रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद जो सियासत है ना, और सियासत के बीच जो केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका और जो उनका एक्शन है, वो एक्शन अपने आप में ये दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव जो इस वक्त पार्टी का नेतृत्व करते दिख रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं सदन में भी, सरकार में भी और परिवार की तरफ से भी, तो उनके ऊपर जो प्रेशर है और गिरफ्तारी की जो तलवार कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि लटक रही है, उसके बीच तेजस्वी यादव के ऊपर एक दबाव तो है रोहित। तो शशि भूषण, आपको लगता है कि देखिए, लालू परिवार में से लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती, सबको कोर्ट बुलाया जा रहा है सीबीआई में, लेकिन निशाना शायद ये लोग नहीं है, क्या टारगेट तेजस्वी यादव है? देखिए, कल जब इस मामले में लालू यादव की पेशी हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और वहां सीबीआई ने जिस तरह से अपोज नहीं किया बेल का, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही थी। यहां भी आप विधानसभा के गलियारों में कर लीजिए बात, जो सियासी हलका है उसमें चर्चा हो रही थी कि शायद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या मीसा भारती के बेल पिटीशन को अगर अपोज नहीं किया सीबीआई ने, तो कहीं ना कहीं टारगेट तेजस्वी यादव हैं, ये चर्चा हो रही थी। दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी हो रही थी कि क्या कोई अंदर का खेल बीजेपी और आरजेडी के बीच में चल रहा है, तो अपनी अपनी चर्चाएं हैं, चर्चाओं पर कोई लगाम नहीं है। लेकिन इस सबके बीच एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव फिलहाल मैन इन एक्शन कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि सेंटर में वही हैं और उनको लेके ही सारी चर्चा हो रही है। सेंटर में तो हैं, लेकिन जो बिहार के सेंटर में पिछले 17-18 सालों से रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, वो तो लगता है राहत की सांस पक्का ले रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने से दबाव उन पर बनाया जा रहा था, पावर ट्रांसफर कीजिए, और आरजेडी वाले रहे सहे सब उनको बोलते थे कि अब पद छोड़िए, तेजस्वी को बनाइए, तो बड़ा राहत की सांस जरूर ली होगी। बॉडी लैंग्वेज बदला है रोहित, जो आप बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, और हम जो कई बार अपनी अपनी रिपोर्ट में भी बताते हैं और आज भी हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जो है ना, वो जो चीजें इस उनके इर्द गिर्द राजनीति में घटित होती हैं उसका असर उनके ऊपर दिख जाता है, मतलब वो छिपा नहीं पाते उन चीजों को। ठीक है, 2 दिन से वो विधानसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए, ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटे, उस दिन उनकी मुलाकात हुई, 10 मिनट दोनों बैठे, लेकिन ये 2 दिन में कभी नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ हाउस में नजर नहीं आए, मतलब अभी तक। आप कल की घटना ले लीजिए, कल जो सेशन चला, कल वो नहीं थे हाउस में, तेजस्वी यादव उनके साथ में नहीं बैठे थे, आज भी फर्स्ट हाफ में तेजस्वी यादव थे लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। तो नीतीश कुमार हाल के दिनों में, जैसे वो एक प्रकरण है, 2-3 दिन पहले वो गए तो बीजेपी के बेंच की तरफ देख करके उन्होंने बहुत मुस्कुरा करके और हाथ जोड़ करके अभिवादन किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, तो ये चीजें जो बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट हो रही है ना रोहित जी, वो कहीं ना कहीं दिख रही हैं और उसको लेकर के अलग अलग चर्चाएं भी हो रही हैं बिहार में। सही बात है, बकर नीतीश कुमार देखिए इतने असहज हो
जाते हैं। पिछले साल मुझे लगता है यही वो समय था जब बीजेपी वालों ने इस तरीके की बात शुरू की थी कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजिए, गवर्नर बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए, उपराष्ट्रपति बना दीजिए, और दबाव बनाना शुरू किया गया और कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दीजिए। और यही वो समय है एक साल बाद। अब ये चीजें जो हो रही हैं शशि, ये अब आरजेडी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो लगता है कि नीतीश कुमार वाकई ये सब चीजों को लेकर असहज हो जाते हैं। और खासकर क्यों पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने जब ये दबाव बनाया तो उसका फलाफल निकला कि अगस्त तक आते आते गठबंधन समाप्त। इस बार भी कुछ ऐसा लगता है? देखिए, बिहार की किस्मत यही रही है और बिहार में जो राजनीति जिस स्तर की देखने को मिली है और जो हमको अचानक से क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, उसमें जो चीजें हम अंदर सोचते हैं ना अपने जहन में, वो चीजें जमीन पर धीरे धीरे दिखने लगती हैं। तो हालांकि ठीक है, हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जिन चर्चाओं की शुरुआत होती है और जो चर्चाएं अंजाम तक पहुंच जाती हैं बिहार की राजनीति में, तो ये एक वजह है। पिछले साल अगस्त में जो हमने देखा है और आज अगर हम इस मार्च के महीने में खड़े हैं और इतना जल्दी घटनाक्रम बदलते हुए दिख रहा है, तो कब कौन सी खिचड़ी पक जाए बिहार की सियासत में रोहित जी, ये कोई नहीं बता सकता है। और अभी जो स्थिति कम से कम देख करके लग रही है, वैसे में ये कम से कम है कि दबाव में पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल है, तेजस्वी यादव हैं। और जो आरजेडी के नेता ना कल तक बयान देते थे कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, वो बयान आ नहीं रहे हैं, न हम ले पा रहे, सब कोई शांत हैं। तो वो अब बात पीछे छूट चुकी है। अब बात हो रही है किस पे? बात हो रही है तेजस्वी यादव गिरफ्तारी पे, बात हो रही है केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पे, और उस पर भी जेडीयू का अपना प्रिविलेज है कि केंद्रीय एजेंसियों पर हम कितना बोलेंगे और किस हद तक हम डिफेंड करेंगे। आपको याद है शशि, जब पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और जो चार लोगों के खिलाफ छापेमारी हुई थी, जिस दिन बहुमत साबित करना था, नीतीश कुमार उस दिन सामने आए थे और आज उस छापेमारी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ईडी अब सीबीआई का तो मिसयूज अब होगा ही, अब तो हम लोग साथ आ गए हैं, ऐसी चीजें होती रहेंगी। वो नहीं थी, लेकिन इस बार जब अब छापेमारी हुई है तो वैसे कोई बयान नहीं आ रहा, कहीं ईडी सीबीआई का विरोध नहीं कर रहे नीतीश। उनका पहला रिएक्शन यही था रोहित जी कि आप जो है वो जिन पे छापेमारी हो रही है वो तो अपनी बात कही रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बताएंगे। मतलब उन्होंने अपने आप को किनारा कर लिया। हाँ, तो अब देखिये स्थिति है, कई बार सवाल ये उठते हैं कि दोनों में से हाथ कौन पहले छुड़ाएगा। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि हाथ किसने किसका पकड़ रखा है, मतलब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ रखा है, छुड़ाना उनको है, या फिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का पकड़ रखा है। हम ये नहीं कहते हैं कि गठबंधन टूट जाएगा या सरकार को बहुत संकट है, लेकिन जो चीजें बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रही है ना, उन चीजों के बीच बहुत कुछ सहज है, नॉर्मल है और बहुत आसानी से चीजें चल रही हैं। आप देखिए 5 अप्रैल तक विधानसभा का सत्र चलना है, उसके बाद ही बिहार में कोई नया खेल शुरू होगा। रोहित, खेल हो सकता है, लेकिन लगता है कि खेल हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव फिर 25 तारीख को जाएंगे सीबीआई के सामने। अब हालांकि जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने ये कह दिया कि अभी गिरफ्तार उनको नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है सरकार तो खतरे में आएगी ही शशि, क्योंकि फिर क्या जवाब देंगे? जैसा सिसोदिया कांड हुआ था कि डिप्टी सीएम रहते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वैसी कार्रवाई अगर तेजस्वी यादव के साथ हो जाती है, मान लीजिए अगर उनको गिरफ्तारी हो जाती है भ्रष्टाचार का जो मामला चल रहा है, तो फिर तो नीतीश कुमार के लिए भी बहुत ही ये मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से सरकार में बने रहें। फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो स्थिति है उस स्थिति में ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के लीडरशिप के नहीं रहने की स्थिति में समस्या हो जाएगी और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए थोड़ा प्रेशर रिलीज होने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर तेजस्वी नहीं रहते हैं तो सरकार में दखल नहीं रहेगा। तो अभी सरकार फिर भी चलती रहेगी, आपको लगता है कि तेजस्वी नहीं रहते हैं? बहुत मुश्किल है ये, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है और अपने आप में इन सवालों के जवाब के लिए हमको कम से कम इंतजार करना होगा कि बिहार की राजनीति में अगला बदलाव क्या देखने को मिलता है, मतलब जो होता है वाकई जमीन पे। जी, बड़ा लेकिन अजीबोगरीब सिचुएशन है बिहार में, जिस तरीके की राजनीति होती है हर 6-8 महीने पर लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। और नीतीश कुमार ने भी शशि देखो इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है, मैं भी देख रहा था मार्च के महीने की चीजें, बहुत सारे ऐसे उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं, संकेत दिया है जहां पर वो तेजस्वी यादव के विरोध में नजर आए हैं। बिल्कुल, गलवान के शहीद पिता के साथ जो विवाद हुआ, तमिलनाडु का इशू है, हाँ तमिलनाडु का इशू, तमिलनाडु का भी अलग इतर उनका राय था। प्रधानमंत्री मोदी ने या फिर अन्य बीजेपी नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी तो उसका, और फिर राजनाथ सिंह ने उनसे बात की तो उसका जिक्र
जो है नीतीश कुमार ने विधानसभा के पटल पर किया, जब वो भाषण देते के आज मेरी राजनाथ सिंह से बात हो गई है, तो मैसेज बीजेपी को देना था कि मैसेज पीछे आरजेडी को जो बैठी थी उसको देना था कि मेरी राजनाथ सिंह से बात हो गई है, या एक मैसेज देना था कि बीजेपी के साथ अब वो बातों का दौर शुरू हो चुका है? सुनाया जा रहा था बीजेपी के नेताओं को, बिहार बीजेपी के नेताओं को, लेकिन मुखातिब उनसे थे और मैसेज जो था वो अपने बगल में बैठे, अपने बगल में और साथ में और पीछे बैठे तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोगों को था कि देखिए हमसे तो हर लोगों की बात होती है, राजनाथ सिंह के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते कोई छिपे हुए नहीं है कि कितने अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी के जिन पुराने नेताओं के साथ नीतीश कुमार सहज दिखते हैं उनमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है, तो ये तो वजह है। लेकिन कब कौन सा राजनीति जो है बिहार की बदलेगी और करवट कौन सी बैठेगी रोहित जी, इसके लिए शायद हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तो नजरें लगता है कि 25 मार्च की जो सीबीआई की पेशी है सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव की, उस पर टिकी होंगी। सीबीआई सिर्फ मुश्किल का ये पूरा सबब नहीं है, ईडी भी घुस गई है इस पूरे मामले में, ईडी भी पूछताछ कर रही है ये लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में। यही असल परेशानी है, से ज्यादा परेशानी ईडी। तेजस्वी यादव या उनके जो लोग हैं वो उनको इस बात की चिंता ज्यादा है कि ईडी की एंट्री हो गई है, और ईडी की एंट्री जो है ना वो ज्यादा परेशानी बढ़ा सकती है तेजस्वी यादव की, और उनके पार्टी के लोग उसको लेकर ज्यादा सचेत हैं, और यही वजह है कि दिल्ली हाईकोर्ट में आज वाली याचिका जो है भले सीबीआई के समन को लेकर लगाई गई थी, लेकिन ईडी का जो बैकग्राउंड है ना उसको देखते हुए ये चीजें हो रही हैं रोहित। क्योंकि कहा जाता है कि सीबीआई से हो सकता है आपको जमानत मिल जाए, लेकिन अगर ईडी घुस जाती है तो फिर हालत होता है वही जो स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के जो थे सतेंद्र जैन, उनका जैसा हाल होता है, या सिसोदिया जो है मनीष सिसोदिया उसके मामले में भी ईडी घुस गई है, तो देखिए अभी फिलहाल वो उनसे पूछताछ और जेल यात्रा जो है उनकी चल रही है, तो इसलिए खतरा ये है कि सीबीआई में जो एंट्री हुई है उसमें अगर जमानत मिल भी जाती है तेजस्वी यादव को, तो ईडी का जो मामला होता है ना ईडी में आप फिर लंबा फंस जाते हैं, और उसके बाद फिर 6 महीने 8 महीने साल भर तक का जो है वक्त भी जो है वो गुजर जाता है। और यही चौंकाने वाली बात है शशि कि सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, अचानक से जो ईडी की एंट्री हुई है इसको लेकर लालू परिवार में ज्यादा थोड़ा बेचैनी है। और हाँ देखिए जो दिल्ली से भी इनपुट आई है रोहित जी उसमें ये बात भी बहुत गौर करने वाली है कि सीबीआई कह रही है कि हमारी चार्जशीट लगभग तैयार है, और अगर सीबीआई ने ये बातें कही है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने तो ये तेजस्वी यादव भी इस वक्त समझ रहे होंगे, उनके वकीलों की टीम समझ रही होगी कि आगे किस तरह का दूसरी एजेंसी का एंट्री हो सकती है, क्या उसका बैकग्राउंडर हो सकता है, मतलब कहां से क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो देखिए फूंक फूंक करके कदम तेजस्वी यादव भी रख रहे हैं, उनको पता है कि जोखिम रडार पर वही है, और 2024 के पहले अगर बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा झटका अगर विपक्षी दलों को देना है तो तेजस्वी यादव को झटका लगता है तो वो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा कहीं ना कहीं। आज पटना में मौसम भी बहुत बदला हुआ है, राजनीति का मौसम भी बदल जाए तो बहुत अचरज नहीं होगा, क्योंकि अचरज नहीं होना चाहिए, वक्त बताएगा, लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल तो रही हैं। जी चलिए शशि भूषण से हम बातें कर रहे थे, जानकारी हम लोग ले रहे थे, आपस में आदान प्रदान हो रहा था विचारों का कि आखिर क्या हो रहा है इस वक्त बिहार की राजनीति में, खासकर तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी इस वक्त बिहार की राजनीति घूम रही है, क्या होगा। सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, ईडी की एंट्री हो चुकी है, 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होना है, हालांकि सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अभी गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आरजेडी खेमे में इस बात को लेकर ही डर है कि क्या निशाना तेजस्वी यादव है, क्या लालू मीसा राबड़ी पर टारगेट नहीं है, लेकिन असली मकसद तेजस्वी यादव को जेल में डालना है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी से। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं राहत की सांस उन्होंने जरूर ली होगी, क्योंकि जिस तरीके का दबाव उन पर बन रहा था पिछले 1-1.5 महीने में, पावर ट्रांसफर कीजिए, सत्ता तेजस्वी को सौंपिए, उसके बाद अभी जो प्रकरण चल रहा है तेजस्वी को लेकर, उसके बाद आरजेडी का एक भी नेता नहीं है जो सामने आकर अब ऐसी मांग कर रहा हो। बहरहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर कल एक नए राजनीतिक विषय पर लेकर आपके साथ वापस आएंगे, चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।